नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले बिहार बोर्ड क्लास टेंथ मैट्रिक का रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी 2022 बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा दी है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। हम आपको बताने वाले हैं आप अपना परीक्षा परिणाम कैसे चेक करेंगे, परीक्षा परिणाम को चेक करने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी, कहाँ पर मिलेगा, कैसे चेक होगा, सब कुछ आपको बताने वाले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें ये रिजल्ट कहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये रिजल्ट आपको मिलेगा rozgarresult.com पे, ट्रस्टेबल एक भरोसेमंद वेबसाइट rozgarresult.com। साथ ही साथ आपको एक वेबसाइट और बता देते हैं जिसका नाम है sarkarirezult.com। गूगल पर जब भी सरकारी रिजल्ट लिखिए, lastme.com जरूर चेक कीजिए। तो सबसे पहले आपको जो बिहार बोर्ड टेंथ का रिजल्ट है वो यहाँ पर मिल जाएगा। आपको बताते हैं रिजल्ट कैसे चेक करना है। दोस्तों चेक करना आपको बताते हैं, उससे पहले आपको एक नोटिस दिखा देते हैं जो बिहार बोर्ड की तरफ से जारी की गई, जिसमें बताया गया कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट जो है 31 मार्च 2022 को दोपहर 1 बजे जो है जारी होगा। अब हम आपको बताते हैं रिजल्ट जारी होने के बाद आप इसको कैसे चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक सैंपल पेज दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, सैंपल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है, रिजल्ट दोपहर 1 बजे जारी होगा। लेकिन हम आपको तरीका बता रहे हैं, एक ट्यूटोरियल वीडियो है ये, कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। तो दोस्तों इस तरीके का कुछ एक इंटरफेस होगा जिसमें आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रोल कोड और रोल नंबर। तो रोल कोड में आपको अपना रोल कोड डाल देना है, सेकेंड वाला ऑप्शन है आपका रोल नंबर का। तो रोल नंबर वाले में आपको यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है आपका। रोल नंबर की दोनों चीज़ें आपको जो है आपका जो एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र है उस पर मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिखाई दे रहा है, नीचे जो भी कैप्चा आएगा उस कैप्चा को एज इट इज आपको डाल देना है। ये सब चीज़ डालने के यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक सर्च का बटन दिखाई दे रहा है, आपको सर्च पर क्लिक करना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको रोल कोड रोल नंबर दोनों ही डालना है, और जैसा एडमिट कार्ड में प्रिंट है वैसा ही सेम टू सेम डालना है। और जैसे आप उस पर सर्च पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का रिजल्ट जो है आपको दिखेगा, जिसमें आपका रोल कोड, आपका रोल नंबर, आपका नाम, आपका पिता का नाम, आपका मदर नेम, आपके सब्जेक्ट वाइज नंबर थ्योरी में कितना था, प्रैक्टिकल में कितना था, ग्रैंड टोटल कितना था, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पूरा मार्कशीट जो है एक नेट कॉपी आपको मिलेगी। ये एक सैम्पल पेज है, रिजल्ट 31 मार्च को दोपहर 1 बजे जारी होगा। उसके बाद आप अपना इंडिविजुअल रिजल्ट जो है चेक कर सकते हैं। रिजल्ट का लिंक आपको sarkarirezult.com और rozgarresult.com पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको रिजल्ट की कुछ बातें और बता दें, इसके साथ साथ टॉपर्स की लिस्ट भी जो है आएगी, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। रिजल्ट में कितने परसेंटेज लड़के पास है इसकी जानकारी मिल जाएगी। आपको बता दूं, पिछले साल 78% से अधिक लोग जो है पास हुए थे, और इस बार लगभग 16 लाख अभ्यर्थी जो है ने इस एग्ज़ाम को दिया है। और नीचे अगर आप देखेंगे इस रिजल्ट में तो आपको यहाँ पास भी मिल जाएगा, पास फेल क्या है, आपका डिवीजन मिल जाएगा, ये फाइनल रिजल्ट है, अलग अलग नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो रिजल्ट में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।